सावन का महीना स्टार्ट हो गया और कांवड़ शुरू हो चुके हैं यार। मतलब इस टाइम पर कम से कम हजारों लोग कांवड़िए पद यात्रा कर रहे हैं और मुझे पता भी नहीं है, और ये खत्म भी होने वाला है। ओ यार, लेकिन जांच के बारे में पता तो होना चाहिए ना मुझको। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, दूसरी चीज ये कि इसके पीछे मान्यता क्या है, क्यों होती है कांवड़ यात्रा, इस सबका जवाब मुझे बस एक ही तरह मिल सकता है, जाना पड़ेगा यार। चलते हैं फिर। Everything you said, we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. तो बाहर आके एक अलग ही मस्ती का माहौल था रोड पर, और एक ऐसा माहौल जिसके आगे फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद फ्रांस या जर्मनी में जो रोड शो होते हैं ना, वो भी फेल थे इस रोड शो के आगे। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा या क्या जवान, सब के सब कांवड़ यात्रा को पूरा करने में लगे थे। तो रास्ते में बहुत से कांवड़ियों से मेरी खुद मुलाकात हुई और मैंने उनसे बात की। भाटी भाई, ये बताइए आप कितने दूर से लेके आ रहे हैं आप? हरिद्वार। हरिद्वार से? बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्ट लेके जा रहे हैं अभी। हरिद्वार से ऐसे खींचते हुए? बहुत बढ़िया लग रहा है। कहाँ, कितने दूर से आ गए आप? हमारा यही है और हम गंगोत्री गौमुख से आए। बहुत टाइम लगा हुआ यार, कैसे किया आपने? बोले बाबा की कृपा है। थकान तो महसूस नहीं हो रही है? बिल्कुल है। हमारे भाई कैसे लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। ये कोई दूसरे की मेहर है, उनका आशीर्वाद बोले जी, तो सब कुछ हो जाता है। जल है साथ में, मैया साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, सब कुछ संभव हो जाता है। अच्छा अच्छा, और आसान हो जाता है। बीच में कितनी बार रुके आप? पाँच छह बार रुके। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हरिद्वार से। यार इतनी दूर से अकेले आना, मतलब इतना लंबा सफर, आपके पैरों में दर्द हो गया होगा आपके तो? कैसे किया आपने मैनेज सब? बस भोलेनाथ की कृपा थी, चले आ गए। रास्ते में कोई दिक्कत खाने पीने की? नहीं, भोलेनाथ की कृपा। और कैसा लग रहा है, इंतजाम कैसा आपकी बार? बहुत बढ़िया। शिविर में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। खाने पीने की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आओ जाए बात, कितने दूर से आया ये हमारे भाई? हरिद्वार से आइए, 210 किलोमीटर दूर से। आप लोगों को थकान महसूस नहीं हो रही? कोई थकान नहीं, कोई कुछ भी, फिट है एकदम मस्त। देखो नंगे पैर, वैसे यार नंगे पैर कैसे करना है, मतलब बहुत हिम्मत की बात है। कैसे कर, क्या हिम्मत की बात है? बोले बाबा हिम्मत देते हैं हमारी कहाँ ताकत। रास्ते में आने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। खाना पीना सब कुछ बढ़िया, खाना पीना सब साथ लेके जाते हैं। और सोने का इंतजाम सब चीज़ बढ़िया? अरे बहुत बढ़िया। आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है कांवड़ लेके आने में? मतलब घर में बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, लेकिन क्या चीज़ मजबूर करती है कांवड़ लाने पे? जिसे भोले बाबा बुलाते हैं वही आता है। जिसे भोले बाबा बुलाते हैं वही आता है। वरना आप चाहें तो घर बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। पर उन्हें बुलाना होगा ना तो वो आएंगे। जाने का 10 दिन के लिए घर से बाहर, वो भी घर वाले उसमें भी बाबा।
रास्ते में जितने भी आम लोग थे वो सब के सब कावड़ियों के खाने पीने का ख्याल रख रहे थे। तो कोई मेडिकल सेवाएं पहुंचा रहा था। सर बोलों की सेवा करके जो सुकून मिलता है वो बहुत ही ज्यादा मिलता है, उसके हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो कावड़ के बारे में विस्तार से और जानने के लिए मैं कावड़ कैंप में गया, जहां मेरी मुलाकात राजेश जी और उनकी टीम से। मैं लगभग 20 वर्षों से ये सेवा करता आ रहा हूं, मुझे ये सेवा करते हुए 20 वर्ष हो गए हैं। और 20 वर्षों से जब इधर कुछ कैंप नहीं हुआ करते थे, उस समय ये पहला कैंप है जो हमने लगाया, और जहाँ उनको विश्राम, सुलभ जल, वो नहाने धोने का मेडिकल फैसिलिटीज और नाश्ता, खाना, भोजन, इसका सब का हम यहाँ पर इन्हें सेवा मुहैया कराते हैं मेनली। और 20 साल मुझे कम से कम हो गए इस सेवा करते हुए, और बहुत ही अच्छा अनुभव होता है मुझे इनकी सेवा करते हुए। मेरा पूरा परिवार, मेरे पूरे कार्यकर्ता लगातार ये सेवा देते रहे भोले बाबा के आशीर्वाद से, और आशा करता हूँ मैं बाबा का ऐसा आशीर्वाद बना रहता हूँ, हमेशा उनकी ऐसी गुणगान करते रहेंगे, इनसे भक्त कावड़ियों की सेवा करते रहेंगे। ये शुरू तो जब से हुआ था कि गौरा मैया सबसे पहली कावड़ लाई थी जी। उसके बाद श्रवण कुमार जी का भी कुछ बताया जाता है, वो कावड़ अपने माता पिता की लाए थे, तो यदि से ये शुरू हुआ था भोले का कावड़। गौरा मैया खुद भोले की कावड़ लेके आई थी सबसे पहले, उन्होंने सबसे पहले जल भोले पे चढ़ाया था, तो जब से ये मान्यता है कावड़ लाने की। कावड़ कैंप के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। अभी टीम है 10 कार्यकर्ता और यही सारा संभालते हैं और सेवादार रहते हैं हमारे। हाँ तो किस कैंप को हम सब सारे मिलके सही से संभालते हैं। कोई मतलब यार इतनी दूर से आया हो, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, बोले थकान तो महसूस नहीं हो रही है? गली हुई थी, ऐसे हो गए थे, बस पूछे मत, फैल के ऐसे हो गए थे हम। अच्छा अच्छा। शाम का वक्त करीब आया और कावड़ कैंप के अंदर हो गया आरती का टाइम। और आखिर में आया सबका फेवरेट एंटरटेनमेंट और मनोरंजन का खजाना, झांकिया और उसके साथ में होने वाली मस्ती। सभी कावड़ियों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगा, सब जाओ, एकता के साथ रहो, अच्छी तरीके से चलो, और शुद्धता के साथ ही अपना इस काम को, कार्य को आगे बढ़ाते रहो। बिल्कुल यार, बिल्कुल।